परी मेरी तरफ देखो तो। परी मैं तुम्हारा राजीव या संजू, जो बोलना है बोलो, हम तो तुम्हारा ही। और देखो अब हमारे बीच में कोई नहीं है और ना ही कोई आएगा, क्योंकि हम दोनों एक हैं। थैंक यू मुझे यहाँ करने के लिए, मेरा रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए। इसे लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं, जोड़ी ना हमेशा ऊपर से बन के आती है, जैसे हमारी। प्लस चैनल पर आ रहे सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जो नीति है उसको डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसकी जो है हाफ याददाश्त जा चुकी है, यानी कि जो नीति है उसे अपनी शादी से पहले का सब याद है, शादी से आगे का उसे कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पर ये आगे पता चलेगा कि नीति ड्रामा कर रही है या फिर क्या है। फिलहाल तो सिचुएशन यही है कि नीति और परी की वो पुरानी दोस्ती अब हमें कुछ दिनों तक देखने को मिलने वाली है, जहां पर वही पिंकी प्रॉमिसेस लेती हुई नीति दिखाई दे रही है परी के साथ। अब यहां पर परी को डॉक्टर्स बताते हैं कि नीति की याददाश्त आधी चली गई है, तो यहां पर डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, कोमा में जा सकती है अगर आपने इसके साथ कुछ जबरदस्ती इसे याद दिलाने की कोशिश करी तो। लेकिन जो बेबे है वो नीति की मॉम के साथ ऐसा करते हुए दिखाई देंगे ताकि उसे सब याद आ जाए और वो अपना बदला ले सके। दूसरी ओर जो दलजीत है और जो राकेश है वो साथ में होंगे और परी को अभी भी सबक सिखाने की, उसे मारने की, सजा दिलाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो परी है वो नीति को घर लेकर जाएगी, क्योंकि अब परी और नीति की दोस्ती वही है जो कि पहले थी। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से अब शो की कहानी आगे बढ़ेगी, क्या राकेश परी को मार पाएगा, क्या नीति जो है ड्रामा कर रही है। लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।